हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आज क्लास 6th का जीके लेकर आए हैं। क्लास 6th में पहले मैंने लेसन नंबर 17 तक आपको करा दिया था, तो लेसन नंबर 18, 19 और 20 कराएंगे आज। और उसमें फर्स्ट टर्म एग्जाम का जो आपका सिलेबस वो खत्म हो जाएगा, ऐसे कोई भी तक आएगा। ठीक है, तो लेसन नंबर 18 निकाली सारे बच्चे। लेसन नंबर 18 का नाम है वर्ड्स, सॉरी, फोक डांसेस। फोक डांसेस क्या होते हैं? फोक डांसेस इसमें पर डांसेस होते हैं, ट्राइबल डांसेस होते हैं, जो किसी ओकेजन पर, मतलब कोई ऐसा फेस्टिवल है उस पर ही ज़्यादातर सेलिब्रेट किया जाता है डांसेस का। बच्चे का जन्म हो रहा है, वेडिंग्स हैं, फिर त्यौहार त्यौहार हैं, उन सबके लिए डांसेस किए जाते हैं। तो कुछ डांसेस दिए गए हैं, उनका आपको नाम बताना है और पूछा गया ना। फर्स्ट पॉइंट है, ये क्लासिकल डांस है इंडिया का, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट से बिलोंग करता है और ये ऑल ओवर साउथ इंडिया में फेमस है, पॉपुलर है। इसका सबने जो रेजिडेंट ब्राह्मण्स हैं वो प्रैक्टिस करते थे, और ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। इसका नाम क्या है? कुचिपुड़ी। क्या नाम है? कुचिपुड़ी। सेकेंड है, ये फोक डांस जो है ये स्टेट आसाम का है। ढोल, पीपा एंड धंगड़ा, ये जब ये सब इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे डांसेस को किया जाता है। ढोल यानी ड्रम जो होता है, पीपा माने हॉर्न, और धंगड़ा मीन्स होता है इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ बैम्बू, होती है उसको पेड़ से बना हुआ जो इंस्ट्रूमेंट होता है। ये इंस्ट्रूमेंट किया इस्तेमाल किया जाता है डांस के लिए, इस्तेमाल किया जाता है। और ब्रिस्क डांस स्टेप्स में किए जाते हैं, और रैपिड हैंड हैंड मूवमेंट यानी हाथों का इस्तेमाल किया जाता है। इसको महिलाएं और पुरुष दोनों परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और कलरफुल क्या कहते हैं, ड्रेसेस को अपन कहते हैं आसमी में, आसामी को अपन कहते हैं। नाम है बिहू नाम। ठीक है, थर्ड है, इट इज़ वन ऑफ द 8 फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस। 8 प्रकार फॉर्म्स होते हैं इंडियन क्लासिकल डांसेस के, इस बार डांस के अंदर। नॉर्थ इंडिया में ऑरिजिनेट हुआ था, और डांस को परफॉर्म करने के लिए स्लो और फास्ट दोनों तरह से किया जाता है, और ये ड्रामेटिक क्लाइमेक्स भी होता है। इसका नाम है कथक। क्या नाम है? कथक, ड्रामा में इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ है, ये परफॉर्म किया जाता है वुमेन्स और गर्ल्स के द्वारा, जैसे होली है, गणगौर है, पूज है, पूजा गणपत पूजा जो होती है वो है। तीज है, राजस्थान के अंदर ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है, और मल्टी हेड स्कर्ट पहनी जाती है, और सर्कल में डांस ला किया जाता है। उसका नाम है घूमर। क्या नाम है? घूमर। फिफ्थ है, ये क्लासिकल डांस है स्टेट तमिलनाडु का, और विनोद डांस जो ग्रेस के लिए, प्योरिटी के लिए, ट्रेंडेंस के लिए, स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल और पोजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका नाम है भरतनाट्यम। क्या नाम है? भरतनाट्यम। और लास्ट है, पंजाब का मोस्ट पॉपुलर डांस है, और ये क्लासिकल स्टाइल पंजाबी ड्रेसेस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ढोल हो गया, चिमटा हो गया, तबला हो गया, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। और ये हार्वेस्ट सीजन की टाइम पर ये डांस किया जाता है, परंतु ये अब सब पॉपुलर हो चुका है, सब जगह सेलिब्रेशन किया जाता है, वेडिंग्स में और फेस्टिवल्स में भी इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। तो डांस का नाम है भांगड़ा। क्या नाम है? भांगड़ा कहते हुए। ठीक है, तो लेक्चर कंप्लीट हुआ यहाँ पर। लेसन वेट की लेसन नंबर 19 का ये प्रॉब्लम फिगर्स। प्रॉब्लम फिगर्स में पूछा गया है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए क्या चौथा पूछा गया है, कौन सा आएगा। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन दे दिए, कौन सा ऑप्शन आएगा वो आपको उसमें ड्रॉ करना है या फिर टिक लगा देना। ठीक है, सही है। तो फर्स्ट का है सी। फर्स्ट का सी क्यों है? अब देखिए बेटा, बता रहा हूँ यहाँ पर, फर्स्ट का बता रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट में जो थर्ड वाला जो बॉक्स है, उस बॉक्स में आप देखोगे ध्यान से, तो पहले तो यूँ जा रहा है और एक एरो यूँ जा रहा है और चार यूँ जा रहा है। ठीक है, इससे पहले आप देखोगे तो बॉक्स में क्या हो रहा है, एक यूँ जा रहा है और एक यूँ जा रहा है। इससे पहले
लास्ट वाले में एक एरो हो जा रहा है, एक एरो ये हो जा रहा है। अब देखो बेटा, ये पहले यहाँ था, फर्स्ट वाला ये था, फर्स्ट बॉक्स था, पहले यहाँ पर था और यहाँ पर, फिर ये चेंज हुआ यहाँ पर आ गया, ये चेंज यहाँ पर आ गया, इस वाले यानी ये चीज यहाँ पर आ गई, अच्छी यहाँ पर आ गया, यूँ हुआ, यहाँ पर आया फिर यहाँ पर आया, फिर थर्ड वाले में क्या हुआ, ये चीज यहाँ पर आई और ये चीज यहाँ पर आ गई, आ गई ये चीज यहाँ पर आ गई और ये चीज यहाँ पर पहुँच गई। अब फोर्थ वाले में क्या होगा, अब फोर्थ वाले में ये चीज यहाँ पहुँच जाएगी, ये चीज यहाँ पर आ जाएगी, ये हुआ ना, और जब बनाएंगे ये बना लिया, ये यहाँ पर था तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, और यहाँ पर जो था वहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। ये वाला पोजीशन कहाँ दी हुई है, इसमें दी हुई है, दी हुई है सी वाले पॉइंट में दिया हुआ है, सी इज द रेक्टैंगल दिया, ठीक है, और मैं आता हूँ। अब सेकंड सेकंड वाले में सुनो, क्लब बनी हुई थी, बनी हुई है एक तो ये बनी, एक और एक ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, आप देख रहे हो कि शॉर्ट पहली होती है, छोटी वाली मार ले, छोटी वाली पे एरो लगा रहा, ठीक है, ये छोटी हो गई, इसमें ये भी छोटी हो गई, और इसमें ये वाली छोटी हो गई, ठीक है। अब चौथा मुझा गया है, चौथी में कौन सी है, आप देख लो यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ है ना, और यहाँ के बाद ठीक है, इसलिए अब नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला ठीक है, और ये सुविधा वाला कहाँ पर आएगा, ये सब उसमें लिखे हुए, तो डी वाला क्या है इसमें, करेक्ट, ये एरो सही हो, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये कहाँ रह गया, यहाँ पर रह गया, लेफ्ट से सिंपल साइड, ठीक है। तो ऊपर से दो नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो नीचे आएंगे तो एक तो आ गया, एक कहाँ पर आएगा, फोर्थ नीचे, ठीक है। तो मैं तो डी पेटी लगा ली थी सेकंड वाले में, पहली हम लोग पूछ लेते दोबारा बता दूंगा मैं, ये रीजनिंग के क्वेश्चन से आप मेरे को अच्छी तरह बताएंगे उसको और बता देंगे दोबारा वैस बता देंगे। थर्ड में इस तरह से बना लो पहला, ठीक है, वाले में ये यूं जा रहा है, यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। अब पूछा गया है डी वाले में क्या आएगा, डी वाले में क्या है, देखो मूवमेंट इसका यू है, इसका यू हो गया, फिर इसका यू हो गया, इसका यू हो गया, अब नेक्स्ट बार इसका ये आएगा है ना, ये आएगा यहाँ पर, ये पास हो गया, ये एक ये हो गया सर, ये यूं घूम रहा है ना, फिर ये यूं घूम रहा है, फिर ये यूं घूम गया, ए और ए ये दोनों सेम हो गए ना, अभी तो इसमें यहाँ पर स्टॉप है, इसमें यहाँ पर स्टॉप है, इसमें डी वाले में मतलब क्या है, पहले ये घूम गया, फिर यूं और घूम गया, फिर यूं घूम गया दोबारा से, है ना, ये वाला जो स्टेप था, ये वाला यहाँ पर, अब कौन सा स्टेप ये वाला आएगा, कौन सा आएगा, ये वाला यूं घूमता हुआ, ठीक है,
और यहाँ रख दिया, ठीक है। ये वाला क्यों आया, क्योंकि ये वाला यहाँ पर है, ये वाला यूँ घूम गया, ये वाला यूँ घूम गया, और जाहिर सी बात है ये वाला यूँ घूम के नहीं पाया, तो इसमें आ रहा है डी में ए बटे दो वाला, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट, फोर्थ वाले पॉइंट में क्या दिया हुआ है, फोर्थ में ए वाले इसमें पानी में एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें एक ए दिया हुआ है, पहले बना लेता हूँ, ए बना हुआ है, ए बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, ये शेड ऐसे भाग शेड हो गया, इस वाले में शेड हो गया, तो उसमें नेक्स्ट वाले में इसमें शेड हो गया, तो सेकंड वाले में इसमें शेड हुआ, तो जाहिर सी बात है इसमें इस यू कैन सी शेड होगा, तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पर लिखा हुआ है, बी पर लिखा हुआ, तो ये बी है बी पर लिखा हुआ, ठीक है। बाद में अब आता है फिफ्थ वाला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट पे क्या लिखा है बताओ, उस वाले में आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, ए वाले में बीच में सेपरेशन है और दो सर्कल दिए हुए हैं, बी वाले में क्या दिया है, इसमें ट्राइंगल उल्टा है, बीच में डिवाइडेशन और दो सर्कल, सी वाले में क्या है, इसमें ट्राइंगल यों है, तो बी वाले में क्या आ गया बताओ, ऊपर नीचे हो गया, ये हो गया कौन सा साइड में, राइट साइड में, तो अब राइट साइड में किस तरफ आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, नीचे आएगा, ट्राइंगल ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और राइट पर तो सिंपल सा है ना, तो ये वाला ऑप्शन क्या हुआ है, याद देखो वो सी में बना हुआ, तो आप सी पर लगा लीजिए, थर्ड में आया भाई, फर्स्ट में ऊपर था, सेकंड में नीचे था, थर्ड में राइट साइड में, तो अब लेफ्ट साइड बनेगा, राइट ना, तो सिंपल ये जो इमेज है वो सिंपल है, और बाकी भी दोस्तों समझा देंगे अगर आपको कोई रीजनिंग वाला है, ये और वैसे मैं पूरा कर रहा हूँ समझा रहा हूँ आपको, क्वेरी है तो आप उसको बता दें, ठीक है। सिक्स वाला पॉइंट क्या है, एक व्यू बना हुआ है, ठीक है, और दो बोले एक पॉइंट, फिर दो बोले एक पॉइंट, फिर एक लंबा हुआ है, दो बोले एक पॉइंट, उस साइड डी वाले में क्या है, एक इस तरफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, फिर ये नीचे हो गया, ऊपर ऊपर थे दोनों, ये नीचे हो गया इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, अब क्या बनेगा, कैसे बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड बनेगा ना, तो यूं करके ये बनेगा, पर ड्रॉइंग भी हमारे सही नहीं है, तो इसको बना दे, कैसे बनाए ये आपसे भी बनेगी, ये
तो ये वाला देखो कहां पर है, बी वाले पर है, तो बी पर, ठीक है। पहले होगा इसका नीचे थर्ड का था, इसका नीचे का, तो नीचे, ठीक है। तो समझ में आया, ये बी सी का सर से ये प्रॉब्लम देख रहा सकती है बेटा, चलो भाई, ठीक है। अब लास्ट चैप्टर है आपका लेसन नंबर 20, लेसन नंबर 20 क्या है बता दीजिए। लेसन नंबर 20 का नाम है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या हो, सोलर सिस्टम के लिए काफी सारी चीजें जो ऐसी चीजें होती हैं जो कि पोजीशन चेंज करती है। अलग अर्थ, हमारी अर्थ है वो एक हेवनली बॉडी, क्या है हेवनली बॉडी, सेलेस्टियल बॉडीज का अर्थ देन इज फॉर यू। फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हिच इज द ओनली प्लेनेट लूज टू सपोर्ट लाइफ, यानी कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो उसमें लाइफ पॉसिबल है, यहाँ पर सपोर्ट किया तो आपको अर्थ ही है कि ऐसा प्लेनेट जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। सेकंड, द हैवीएस्ट मास रिवॉल्विंग राउंड द सन, सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट जो सबसे ज़्यादा घूमने वाला जो है प्लेनेट का नाम है जुपिटर, जो सन के चारों तरफ। व्हिच प्लेनेट इज ऑफन कॉल्ड द रिंग रिंग प्लेनेट, यानी ऐसा कौन सा प्लेनेट है इसे ज़्यादातर हम रिंग प्लेनेट भी कहते हैं, उसका नाम है सैटर्न, उसको आप देखो रिंग बनी होती है। व्हिच प्लेनेट को हम इवन इवनिंग स्टार भी कहते हैं, उसका नाम वीनस है, नाम वीनस। सबसे प्लेनेट कौन सा प्लेनेट ऐसा है जो कि सबसे सन के पास में है, उसका नाम मरकरी। और अर्थ के पास कौन सा प्लेनेट है, सन के पास को मानते हैं, अर्थ के पास कौन सा है वीनस, ठीक है। उसके बाद कौन सी बॉडीज, व्हाट आर द बॉडीज कॉल्ड द यूजुअली फ्लाई फ्रॉम द स्काई टू अर्थ, आर स्काई से टू ग्रीन चैनल में बात करते हैं कहते हैं मेट्रोइड, मेट्रोस, ठीक है। उसके बाद है कॉमेट, अपीयर होता है एवरी 76 साल में, हर एक कॉमेट जो होता है वो दिखाई देता है, उस कॉमेट का नाम है हेलियस कॉमेट, क्या नाम है हेलियस कॉमेट। हाउ मेनी मून्स डज मार्स है, मार्स जो ऐसा प्लेनेट है उसमें कितने मून्स हैं, तो टू ने टू। टेंथ है, विच स्टार शोज अस वेयर इज नॉर्थ, कौन सा स्टार ऐसा है जो हमें ये बताता है कि नॉर्थ पोजिशन किस तरफ है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ है, तो उस स्टार का नाम है द पोल स्टार, ठीक है। तो यहाँ तक आज यहीं तक है आपका, एक सिलेबस खत्म हो गया आपका, कंप्लीट हो गया, उसका आपका होमवर्क यही है, लेसन नंबर 18, 19, 20 इन बुक एंड नोट, ठीक है। बुक का नोट डाउन करना है और उसको रीडिंग भी करना एंड डू रीडिंग ऑल्सो। अगर कोई परेशानी है तो क्या करना है, कमेंट करना है, जो भी प्रॉब्लम आती है आपको उसे कमेंट जरूर करें, चैप्टर में पुराने चैप्टरों में कभी हमें परेशानी आती है तो कमेंट करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली लाइव क्लास में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, लाइक करें, वीडियो बताएं, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बाय बाय।